बट आई कूडेंट क्लियर यू तो जस्ट टू थिंक क्या ऐसा चीज है जो इस कोर्स को डिफिकल्ट बनाता है लाइक like आप लोग देख रहे हैं मैं ग्रुप में डेली मैसेजेस करो बट आई एम नॉट गेटिंग ऑफ रेस्पॉन्स फ्रॉम माई स्टूडेंट्स सो थोड़ा सा दुख होता है कि यार आज एक टीचर इतना रिक्वेस्ट कर रहे स्टूडेंट लोग को क्लास में आने के लिए ठीक है चलो कोई बात नहीं बट जस्ट टू आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए यार कि कोई बड़ा भाई की तरह मेरे को बताया नहीं कि कोर्स कितना डिफिकल्ट है ठीक है तो ये चीज आप लोग के मन में कभी नहीं होना चाहिए एटलीस्ट आई शुड मेक यू ऑल अवेयर कि आप लोग कौन सा पेपर देने जा रहे हो सो कमिंग टू द पॉइंट लाइक मैंने हमेशा ये चीज फील किया है इस कोर्स में कि क्या वो चीज है जो इस कोर्स को डिफिकल्ट बनाता है यार क्यों ऐसा बोलते हैं कि एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ठीक है उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन है सीएम टू ठीक है आई एम नॉट आई एम नॉट जोकिंग ओके आई हैव सीन पीपल माने आप लोग ये समझ लीजिए कि सीएम वन ऑलमोस्ट सबका एक बार में क्लियर होता है सी एस वन सी बी वन सी बी टू सी बी थ्री ठीक है जो पेपर मैंने अटकते हुए लोगों का देखा है वो है सीएम टू ठीक है हर हर टर्म हर टर्म मैं मैं देखता हूं मतलब मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड का यहां पर बात नहीं कर रहा फिर किसी और का ट्रैक रिकॉर्ड का बात नहीं कर रहा इन जनरल मैं बात कर रहा हूं एक ऐसा पेपर जो तुम लोग को दुखित कर सकता है एग्जाम रिजल्ट के बाद में वो है सीएम टू ठीक है आज से भी अगर हम लोग देखें

को अगर लग रहा है ये चीज आप को सब कुछ आता है एक मॉक देके देख लो ना हम लोग तो चेक कर ही रहे मॉक को एक बस खाली मॉक देके देख लो कि तुम लो को कितना आता है फिर बात कर लेंगे ना अपने एक मॉक बस खाली दे दो तुम लोग का हिम्मत ही नहीं हो रहा मॉक देने का देर इज नो सिंगल सबमिशन इन सी बाकी बात तो छोड़ दो सर हम बिजी हैं कॉलेज है ऑफिस है सब बात सही है देन डिड यू चूज इन अटेम्प्ट सब कुछ देख के चूज करना चाहिए था ना

हाथ जोड़ के तुम लोग सबसे यही रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि तुम लोग लाइव क्लास में नहीं आ रहा द क्लास मेरे को पता है कि मेरे को क्या कराना है सॉल्व कराना है because उसी pattern में हो सकता आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न में ठीक है अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम सही होगा ठीक है तो उसी पैटर्न में हो सकता है आपको बहुत है? Last, last में 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 है, सारे क्वेश्चन कॉमन मिल जाए ठीक है बट मेन टास्क वगैरह सब कंप्लीट है डाउट क्लासेस वगैरह सारे अपलोडेड है एंड ये आज मैं आप लोग को ये चीज बोलने आया हूं कि अगर तुम लोग कभी भी प्रॉब्लम आ रहा है specific मैं ये बोल रहा हूं कि कितना तारीख को पता नहीं है सत्ताईस 28, 28, 28, ऐसे होगा या फिर इंडिया का कभी भी प्रॉब्लम हो बस ग्रुप में डाउट क्लास विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स आपका डाउट क्लास लिया जाएगा ठीक है बट प्लीज फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट प्लीज मेक इट श्योर आप और कोई भी पेपर दो ठीक है थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता है बट देर इज अ टाइम टू एवरी कि मेरे को मस्ती कब करना है मेरे को पढ़ाई कब करना है अगर आप चीजों को अपने लाइफ में टाइम नहीं कर पा रहे हो ठीक है आज जैसे मान लो बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि यार मतलब अभी तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं नया नया मेरा जॉब दिस इज दिस इज इजरल सिनारी हो जब लोग सीएम का एग्जाम देते हैं सबका मोटा मोटी नया जॉब होता है कोई भी बिल्डिंग को गिराना है जैसे मान लो तुम लोग को देखते हो अः जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था वो थोड़ी ना पूरा बैठ बैठ के गिराया था क्या इंजीनियरिंग के संग उसको गिराया था क्या क्या दिमाग लगा के उसके जो टेररिस्ट था उसका क्या दिमाग था तब जाके उसको गिरा पाया तो अगर इस कोर्स को तुमको गिराना है ठीक है तो इसका चार पिलर्स को तुम को ब्रेक चार ही नहीं पांच पांच पिलर्स तुम को ब्रेक करना पड़ेगा सीएम ये इसका पांच पिलर्स है ये पांच अगर किसी का क्लियर हो गया तो वो ये चीज बोल सकता है कि हाँ अब मैं बनूंगा ये पांच पिलर्स है इसमें जनरली जब तक लोग सीएम टू में आते हैं वो लोग का दो या फिर तीन तो हो जाता है आई नो मोस्ट ऑफ यू दो या फिर तीन तो हो गया ठीक है लाइफ में आगे बढ़ना है अभी मान लो तुम लोग का चार पांच पेपर क्लियर हुआ है इसी में अटके रह जाओगे अब की बार नहीं होगा रिजल्ट का वेट करोगे दिसंबर तक रिजल्ट आएगा दिसंबर में क्रिसमस वेकेशन जनवरी आ गया एग्जाम का बुकिंग करना है कोई रिवीजन नहीं हुआ है ये साइकिल में कभी मत फंसो एंड खास करके एक ऐसा पेपर सी एम टू ठीक है नए नए टाइप के क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं सिलेबस मतलब चेंज तो नहीं हो रहा बट नए नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है तो और मतलब धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है मतलब मैं मैं आपको सच बताता हूँ ठीक है मैं कभी कभी अगर मान लो का पेपर देखता हूं, तो मेरे को भी लगता है यार डिफिकल्ट था मैंने दम है पेपर में ऐसा चाहे वो आई एफ हो आई से फर्क नहीं पड़ता है दम था पेपर में ऐसा मैं बोलता हूँ ठीक है तो इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट कोई इंसान अगर 40 दिन आज से बचाए 40 बचाए किसी के एग्जाम में 30 बचाए

नए चैप्टर्स आप लास्ट टर्म का पेपर उठा के देखिए भर भर के क्वेश्चन आया थ्योरी रन ऑफ से पेपर इनकम्प्लीट है सब चीज के बिना मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर किसी को लग रहा है यार उसका कुछ भी नहीं हुआ है तो ये सब तो आप लोग को पढ़ना ही है एंड इसके बारे में कोई सजेशन क्या देगा सबके आंखों के सामने ये सब चीज ठीक है हाँ ये चीज मैं आप लोग को जरूर एडवाइस करूंगा कि टाइम के हिसाब से पढ़ना अगर मान लो कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुमको लगता है यार मेरा तो दो हफ्ता चला जाएगा या फिर मान लो एक हफ्ता चला जाएगा नाव यू डोंट डों टाइम यू डोंट टाइम कि यार वो मैं टाइम के हिसाब से पढ़ो एलोकेशन कर, कर पढ़ो कि यार मान लो 21 चैप्टर है मेरे पास 21 दिन है तो आई कैन नॉट स्पेंड मोर देन टू डेज ऑन वन चैप्टर एंड दैट टू रिवीजन ठीक है तो ये सब दिमाग में अपने बैठा लीजिए अगर मान लीजिए कुछ कुछ चैप्टर से आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे डू डू सम पोर्शंस एकदम पूरा छोड़ो मत कंप्लीट मत छोड़ो नहीं तो फिर तो दिक्कत होगा हो ही होगा ठीक है अगर मान लो उससे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन फेंक दे एग्जाम में बहुत प्रोबेबल है क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम का नेचर ही है जो तुम नहीं सोच पाता है वही एग्जामिनर सोचता है जो तुम नहीं सोच पाता है कि यार जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत गंदा गंदा मैसेज आता है भैया दे देखिए इसमें तो बहुत सारा इंटीग्रेशन है ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वही पूछेगा उसका पूछने का तरीका अलग होगा पूछा ही है भाई इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन क्या पूछे नहीं है पूछे ही है ठीक है एमएस वर्ड में हाथ बैठाना बहुत जरूरी है पता है जब सारा चीज एक साथ जुड़ता है ना तब कोई सीएम टू जैसा पेपर पास कर पाता है अभी तुम लोग को मेरा बात कुछ भी लग रहा, पता नहीं क्या लग रहा है ठीक है इनफैक्ट सच बताऊ सीपी वन मैंने अब की बार दिया आई जस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ वन मार्क मैं भगवान से यही बना रहा था भगवानी फोर फोर्टी फाइव देता यार एक नंबर मैं लास्ट एक साल से पढ़ रहा था सीपी वन के लिए तुम लोग क्या पढ़ाई करोगे तुम लोग के पास अभी करने को कुछ भी नहीं है बहुत लोग तो कॉलेज थर्ड ईयर में है पूरा दिन करते क्या को तो ये नहीं समझ में आ रहा है सोच के देखो टेकिंग आवर्स ऑफ क्लासेस आवर्स ऑफ ऑफ क्लासेस डूइंग वर्क अटेंडिंग कॉल्स द स्टूडेंट्स जो लोग मेरे को जानते हैं सब कुछ मैं अपने हाथ से करता हूँ कितना सारा चीज रहता है ऑर्गेनाइजेशन चलाने में दस टाइप के लोगों को मिलाना उसके साथ मैंने सीपी वन का पढ़ाई किया एक नंबर

बहुत बार कितना सारा चीज एसपी फाइव से रिलेट करके दे देता है बहुत बार कितना सारा चीज एसपी से रिलेट करके दे देता है मैंने आप लोग को एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लास करवाया हुआ है जब हम लोग बहुत सारे एडवांस पे ऑफ वगैरह करते हैं वो सब मैंने एस पी फाइव से लेके आप लोगों को कराया है फाइनेंस से क्वेश्चन दे देते हैं ठीक है कभी भी देखना सीएम टू और एस पी फाइव सेम डे होता है क्योंकि दोनों एक हद तक मिलता जुलता है ठीक है तो फॉरवर्ड फ्यूचर अब ये सब सीटी वन सेटा के इसमें ले आया है क्या क्वेश्चन देगा तुम लोग को नहीं पता यारी ए फाइनल के कॉपी से पढ़ाया मैंने मेरे शुरू के छह सात क्लासेस देखो मेरे सी ए फाइनल के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैंने आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाया है क्योंकि क्या देगा नहीं पता है और तुम लोग उस समय ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो मैट में नहीं है ये तो आपने कराया नहीं तो इसलिए जितना लगता है कि यार डर लगता है पता है डर लगता है पढ़ाते टाइम कि यार अगर ये आ गया तो, तो ये भी करा देते ये आ गया तो ये भी करा देते हैं ट इज वेद कोर्स इज लॉन्ग आप लोग आवाज देखिए सीएम टू को उसको वीडियो को, सेट को अच्छे से देखना पूरा कंपाइलर जो बनाया उसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करना why do you think, what is the रीजन I एम नॉट गिविंग रिविजन नोट पैसा बचाने के लिए तुमको लोग लगता है मैं इतना छोटा आदमी पैसा बचाऊंगा सौ रुपया बचाऊंगा अपना इसका ये कारण है कि तुम लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन देखोगे तो सोच पाओ तुम लोग सोच पाओ उस क्वेश्चन को फिर भी बहुत लोग ने मेरे को रिक्वेस्ट किया मैंने सबको भेजा ही है द मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सेव मनी कि तुम लोग को क्वेश्चन जब तक तो तुम लोग बिना देखे उस क्वेश्चन को बनाओगे नहीं तुम्हारा दिमाग में वो चीज आएगा ही नहीं एग्जाम में बिना देखे क्वेश्चन को बनाना सीखिए वैसे आप क्वेश्चन को एक या फिर दो बार बनाएंगे दैट इज इक्विवेलेंट कि चार पांच बार देख के बनाओ क्योंकि तुम, तुम लोग तो उस स्टेप को एक प्रोसेस को याद कर रहे हो ठीक है वैसा नहीं चलता एंड प्लीज एकदम स्मार्टली पढ़ो मैं फिर से यही बोल रहा हूँ एकदम स्मार्टली पढ़ो अगर मान लो तीस दिन है ठीक है तुम लोग को एमएस वर्ड में भी दिन में एक घंटा देना ही है कि हाँ भैया मैं एक दो क्वेश्चन तो तो डेली एमएस एमएस वर्ड वर्ड में 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 सॉल्व करूंगा ही आज आज ये ये टाइप 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 कर 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 लिया 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 कल वो कर लिया, आज ये कर लिया। दिन में मेरे को एक दो क्वेश्चन तो देना ही है उसके बाद में मान लो एक्सेल है यही चलो यार ये वाला जो है ये वाला मॉक पेपर है आज उसको सोल्व करते हैं एक बार मान लो पूरा कर लिया बिना देखे आज मॉक को सोल्व करते हैं हो सकता है आप लोग को दो घंटा लग जाए दो घंटा पंद्रह मिनट लग जाए पहले पूरा सोल्व तो करो ठीक है डर लग रहा होगा ना मन में यार कुछ हुआ नहीं है याद नहीं आएगा ठीक है वैसा कोई बात नहीं मॉक दीजिए मैंने अभी तीन तीन मॉक डाले हैं मैं और तीन तीन डाल दूंगा पहले आप लोग ये तो दीजिए ठीक है तो चीज को समझो मतलब देर शुड बी अ टाइम टू एवरीथिंग यार आज लोगों को ये लग रहा है यार ये अटर्म तो अब मेरा गया अब नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से देंगे कभी वैसा नहीं होता है कभी वैसा नहीं होता नहीं तो जो बच्चा फेल होता है अगला बार उसका रैंक आता लेकिन ऐसा होता नहीं है इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी एक और बात तुम लोग से शेयर करना चाहूंगा ठीक है मेरी स्टूडेंट जो भी फेलो बनी है मेघना अग्रवाल क्वेश्चन कि सर वो कोई पेपर में फेल हुई है सी एम टू सी बोलो। एट में और बोलोज क्वालिफाइड सी एस शी लॉट ऑफ फाइनेंस नॉलेज एक बार एक लेवल पे जाके काम नहीं आता है ठीक है उसके लिए क्या है रेगुलर फ्लो में आना पड़ेगा रेगुलर पढ़ना पड़ेगा डरा नहीं रहा हूं बस कल ये चीज बता रहा हूं आज मैं जब पढ़ा मेरे को बताने वाला ऐसा कोई बड़ा भाई नहीं था कोई गॉडफादर नहीं था क्या तुम ऐसे ऐसे पढ़ो ठीक है आज बहुत लोग बोलते भैया सीबी वन सी टू दे क्या हम बोलते नहीं पहले मेन पेपर दो ठीक है मैंने मैंने चार साल में मैंने मैंने स्टार्ट किया था सितंबर 2015 थाउजेंड फिफ्टीन में सी बना नवंबर 2019 में ठीक है गिनो सोलह सत्रह अठारह उन्नीस चार साल में छह दिया चार साल में दिया ठीक है और डेढ़ साल में दिया पूरा डबल किया नंबर ऑफ पेपर्स को क्यों आई फोकस ऑन द कोर पेपर्स फर्स्ट ठीक है दिखावा बाजी नहीं है कि यार मेरे ज्यादा पेपर्स क्लियर है मेरे मेरे को में को मैं टारगेट है मेरा मेरे को बनना है इस साल जो कि अब नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं एक बार तो यार बहुत दुख हुआ था यार एक नंबर की वजह से छूट गया तुम लोग को बताऊं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे है, मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं है फेल तो सभी लोग होता है 59 पासिंग था 58 आया बताओ 57 आया 56 आया कितना खराब लगेगा उस समय सोचो कितना खराब लगेगा उस समय बोलोगे सर देखिए उस समय अलग अलग टाइप का कहानी लेके आओगे सर देखिए एक एग्जामिनर ये दिया है वो कुछ काम नहीं आता है वो सब कुछ रीचेकिंग का कोई प्रोसेस ही नहीं है ऐसा नौबत ऐसा बॉर्डर लाइन में आना ही क्यों है साठ नंबर का पेपर तो अभी बता दे रहे हैं ऐसा पोर्शन मैंने मैं मैं किस तरीके से पढ़ाई करता हूं मैं बताता हूं सबसे पहले अपने आप आप को को मैं बचाता हूं और तुम लोग अपने में बचा सकते हो पहला आठ चैप्टर टू मैं मैं अपना बता रहा हूं मैंने जिस तरीके से पढ़ा मैं उसका बता रहा हूं ठीक है ट्वेल्व टू फोर्टीन में कुछ भी आ जाए देख लेंगे वन टू एट में कुछ भी आ जाए देख लेंगे रन ऑफ रून थ्री से कुछ भी आ जाए देख लेंगे ठीक है तो ये जो है थिंक सो so. अगर तुम लोग क्लास कॉपी को अगर मान लो किसी का जीरो है, वो मेरा मान लो क्लास देखा है सबसे पहले सारा क्लासेस को कंप्लीट करो सारे क्लासेस देखो मैंने जब डाउट क्लास लिया है, सम्स क्लास लिया है, उसमें मैंने अलग अलग तरीके की चीजें बताई है ठीक है सीएम टू इज लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल पेपर देखो कितना सारा वेराइटी आप लोग देख रहे हैं पूछेगा बताओ ग्रीक्स का एक क्वेश्चन दे देगा बोलेगा बताओ ऐसा ऐसा क्यों होता है ठीक है, है।, है।, है अगर मान लो फिजिकल एग्जाम होता कभी मान लो ब्लैक स्कोल्स का हल्का सा फॉर्मूला भूल जाते जो कि टेबल बुक ने दिया वजह से एग्जाम्पल बोल रहा हूँ वो लोग ने क्या बोला आप लोग हल्का सा रेफर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वो लोग ने बोला ना रेफर कर सकते हैं तो फिर

कभी सोच में भी नहीं आता है हम लोग दोनों सेम पेपर कभी देते भी नहीं है ठीक है कभी सोच में भी नहीं आता है सब चीज यार नहीं सोच के डर लगता है कि यार दो साल के लिए बैन कर देगा तो उस समय कुछ नहीं फायदा होता है थोड़ा सा कर लेते हैं ये वो कुछ मत करना है सब कुछ मत करना सोच में भी नहीं आना चाहिए दिस शुड नॉट बी एन ऑप्शन कि यार एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया फोन करके फा नो no! ठीक है बेवकूफ नहीं है पेपर चेक कर तुम मेरे को दो के मैं ही बता दूंगा कौन किसका छापा है ठीक है तो वो सब तो बिल्कुल भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है ठीक है डोंट इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स ठीक है अपना करियर अपने हाथ में इतना मेहनत से देखो कोई सी एस वन का बच्चा ना समझ जो एकदम नया नया ज्वाइन किया है मैं फिर भी बहुत समझाता हूँ बट तुम लोग से ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं है मतलब अब की बार का जो था मैंने जो स्टूडेंट्स लोग बैन हुए हैं इतना हाई लेवल में आके मतलब सोचो कितना वो तुम लोग सोच रहे हो मतलब ऐसा टाइप का चीज करना और सोचना भी पाप है कि यार मैं तीन साल का मेहनत पे पूरा पानी फेर सकता हूं एक एक मिनट या फिर दो मिनट ऐसा जो तुम्हारा तीन साल का पूरा मेहनत को हटा देगा ऐसा बिल्कुल मत करना ऐसा बिल्कुल भी मत करना ठीक है दैट इज जीरो मतलब वो सोचो भी मत उस तरफ में ठीक है बट यस अगर मान लो छोटा सा कोई फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है देख सकते हो ना कोई चीज रेफर करना है देख सकते हो ना ठीक है तो ये चीज को समझो ठीक है बहुत डिसेजेस है सर एमएस वर्ड में लिखना पड़ रहा कॉपी में लिखते तो बहुत फ्लुएंटली होता वो चीज उसके लिए प्रैक्टिस करो ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करिए मिल्खा सिंह को जब वो पहले नंगा पैर दौड़ता था मूवी देखो मिल्खा सिंह तब तुम लोगों को समझ में आएगा नंगा पैर दौड़ता था फिर जब उसको इंडिया में वो कोच आया तो बोलता है कि सर हम जूता नहीं पहनेंगे हम नंगा पैर ही दौड़ेंगे तो उसका कोच उसको क्या बोलता है बोलता जो तुम्हारा आज सबसे बड़ा कमजोरी है वही तुम्हारा आगे जाके सबसे बड़ा ताकत बनेगा बोलता है ना लाइन सब लोग सुना होगा और वो एकदम ओलंपिक्स वगैरह सब में जीतता है एकदम फिर तो यू शुड टू चेंजेस चेंजेस अगर changes से तुम लोग जैसे बहुत लोग थे वो लोग को लगा यार कोविड तो दो महीना का खेला है अप्रैल तो में अप्रैल में नहीं दिया एग्जाम अप्रैल में तो चलो एग्जाम हुआ ही नहीं सेप्टेम्बर में नहीं दिया एग्जाम फिर अल्टीमेटली अप्रैल में दिया ना अगला अप्रैल में तो चीज को समझो कभी ये सब बैकग्राउंड नॉइस में मत आओ कि यार ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा नो no. ये सब छोटा चीज है तुम्हारे सामने ये सब बहुत छोटा चीज है आज से भी आज से भी अगर तुम लोग छह से आठ घंटे पढ़ लेते हो इफेक्टिव मैं बोल रहा हूं इफेक्टिव मैं छह घंटे सोता था पांच से छह घंटे सोता था दो घंटा को करिकुलर मतलब नहाना सब खाना वाना मिला के आधा एक घंटा रेस्ट ठीक है, पंद्रह से सोलह मतलब समझ लो कितना पंद्रह से सोलह घंटा किताब लेके बैठता था मत पढ़ो विध एटमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन हा भाई आज मेरे को ये बुकलेट पूरा खत्म करना है ठीक है नौ बुकलेट है यार कमॉन क्यों छह महीना टाना है सबको हम लोग को इसी दिन के लिए सोचो मैं छह महीना क्यों टानू यार इतना बढ़िया से कोचिंग किया है पूरा चीज का ठीक है तो जब तुम लोग के पास सारा चीज अवेलेबल है फिर भी अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर उसमें तो कुछ बोलने का नहीं है मतलब सच बता रहा हूं ठीक है कोई भी और पेपर हो मैं तुम लोग को सब बता रहा हूं मैं, मैं अगर बोलता हूं ना अगर कोई जैसे मान लो अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता ना मतलब अगर मान लो मैं सीएम टू नहीं पढ़ा रहा था कोई मेरे को बोलता भाई तू सी जैसे मैं सी एस टू नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग ऑनस्ट भी बताऊँ मैं सी एस टू नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे को उतना मैंने ऐसे कोई पूछेगा मैं देख के बता दूंगा कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होता है मैंने क्लियर किया है तो अगर कोई मेरे को बोले भाई तू दोबारा दे दे मैं बोलूंगा मैं नहीं दूंगा कोई मेरे को दस लाख रुपए भी देगा ना मैं बोलो सीएसटू दोबारा दे मैं नहीं दूंगा ठीक है तो सेम इज पेपर लाइक सीएम टू सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मतलब मैं इतने लोगों के टच में हूं कितने सारे लोग ऐसा है जिनका फेलो का टैग अटका पड़ा है सीएम टू के लिए मैं बस फोन आता है बस आप सीएम टू का बता दीजिए कैसे पढ़ना है इतने मैंने तुम लोग सीएम टू के ग्रुप में नाइन्टी फाइव लोग हैं दस से पंद्रह लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत हाई पोस्ट में है एक या फिर दो पेपर बचा हुआ उसमें सीएम टू है बाकी सब खत्म इसीलिए इतना बोल रहा हूं कि यार तुम लोग के संग ऐसा नहीं होना चाहिए यू आर यू आर द न्यू एंड द यंग जनरेशन ठीक है आज खाली मेरा ये गोल नहीं है लाइफ में कि पढ़ाया पैसा कमाया बस हो गया बात खत्म वैसा सब लोग को पता मैं वैसा कभी नहीं करता मैं ये मैं ये सबको दिखाना चाहता हूं कि ये कोर्स भी पांच से छह साल में हो सकता है कम्प्लीट एन एम एन एम एन एम वर्किंग डे एंड नाइट हार्ड कियर आई मेक इट पॉसिबल एंड वी हैव डन रियली वेल पहले CP2, में कितना प्रॉब्लम होता था आज के दिन पे नहीं होता है सी एम टू में कभी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए जो है जो रिसोर्स प्रोवाइडेड है उसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो उसको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो बिल्कुल भी कोई टाइप का फालतू टाइम वेस्ट अभी नहीं होगा डेज बचे हैं ठीक है एकदम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाई करो एंड स्टडी ऐसा कोई बेवकूफी मत करना कि यार ये वाला टॉपिक तो एकदम नहीं आता पहले एकदम इसको देख लेते हैं अभी वो टाइम नहीं है पहले जो टॉपिक्स बोल रहा हूं

फोर्टी फोर्टी फाइव आए क्योंकि तुमको हो सकता है उतना टाइम ना मिले रिविजन का या फिर आ, आ, अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया कंटेंट या फिर अच्छे से पढ़ा नहीं सब ऐसे आधा अधूरा पढ़ लिया ठीक है लेकिन एक पोर्शन ऐसा है मैंने एक पोर्शन ऐसा बना लो जिसमें तुमको कोई हिला नहीं पाए अगेन आई आई सी ऑफ मूवीज ठीक है तो चांदनी चौक टू चाइना में जब उसका ट्रेनिंग होता है तो उसको क्या किसी को याद है क्या क्वेश्चन करता है उससे क्या बोलता है बोलता है कोई तो ऐसा चीज होगा जो तुम डेली करता हो ठीक है तो वो अपना एक मूव निकालता है मैंने लास्ट में जाके बोला तुमको हमको उससे मतलब नहीं है जो तुम एक बार प्रैक्टिस की है हमको वो चीज से मतलब है है जो तुम दस हजार बार प्रैक्टिस की है। तो ऐसा अपना पॉइंट बना लो सबके अंदर होता है तो आज तुम, आज लोग ऐसे मान लो किसी को आ, ये वाला पार्ट बहुत इजी लगता है रन ऑफ रोइन थोड़ी अलग अलग है तो वो एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए समझ रहे मतलब पचास नंबर का पेपर ऐसा होना चाहिए कि भाई उसे तो कुछ भी देते हम बना के ही आएंगे एग्जाम में ठीक है बाकी थे कुछ तो बनेगा पचास नंबर मान लो धीरे धीरे इतना कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा एग्जाम में कि यार पचास नंबर में मेरा मान लो चालीस भी आया तो बाकी तीस चालीस नंबर तो अच्छा से कर ही लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना बहुत पढ़ो सारा चीज सारा चीज को ही पढ़ो लेकिन एक ऐसा एक तीन चार सेक्शन ऐसा बना लो जैसे मान लो नौ बुकलेट है अब ये तुम लोग को पता है कि तुम लोग का स्ट्रांग पॉइंट क्या है माने इसमें चार पांच बुकलेट ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ भी दाया बाया कुछ भी पूछ दिया तुम लोग को आना चाहिए चीज बहुत जरूरी है और ये चीज हर एग्जाम में वर्क करता है ये चीज तुम हर चीज को समान पढ़ के जाएगा वैसा नहीं होता कुछ कुछ तो तुम लोग अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना ही पड़ेगा हाँ एक और चीज हम जरूर बोलेंगे कुछ भी छोड़ के मत जाना मैंने मैं बता रहा हूं जैसे मान लो रूइन थ्योरी है एकदम ला, एकदम टुवर्ड्स दी एंड है जो बच्चे को यह लग रहा है यार मेरे पास तो टाइम नहीं है मैं रूइन थ्योरी नहीं कर सकता तो फिर तू एग्जाम ही मत दे भाई क्योंकि ऐसा पेपर आया है जिसमें तीस चालीस नंबर का तो रूइन थ्योरी है तो तेरा तो ऐसे ही पेपर रूइन हो गया तो ये जो रूइन थ्योरी है कोई भी और टॉपिक हो सकता है समझ में आ रहा है हो सकता है चैप्टर सिक्सटीन सेवनटीन दे, दे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है माना जाता है ठीक है 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 नहीं माना जाता है, हुआ एक ठीक उससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है पूरा डायरेक्ट प्रूफ्स वगैरह है ठीक है मैंने देखोगे टेस्टेबिलिटी बहुत कम है उसका जनरली क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं मतलब एक दरिया बन गया है कि यार इतना पढ़ने से अपना काम बन जाएगा किसको समझना

भाई है क्या टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट है जो सिटी वन में पढ़ा था पहला वाला पार्ट तो टर्म स्ट्रक्चर है दूसरा वाला पार्ट में वो दो तीन तो, दो दो तो तीन मॉडल है है ठीक हिसाब से देखो टॉपिक वाइज पढ़ो अभी भी पढ़ने बैठ रहे हो तो ये चीज इंश्योर करो कि हाँ तुम लोग एक पर्टिकुलर पूरा पूरा क्वेश्चन माने ऐसा मान लो जो क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि एकदम बहुत ईजी है ठीक है हल्का फुल्का पेन घुमाया हल्का फुल्का पेन घुमाया पीछे सोल्यूशन देखा ठीक है हाँ जो क्वेश्चन मार्क करके रखा है उसको पूरा पूरा बनाना है और उन्हीं में से थर्टी फोर्टी परसेंट में बनाओ ठीक है ऐसा मत करना कि यार लास्ट का का एक हफ्ता एक्सेल एक्सेल करेंगे बहुत गलत है है पेपर ए वर्ड ये सब फ्लो बात होता सब फ्लो का बात होता है चीज समझना ये सब फ्लो का बात होता है तुम कितना फ्लो में है ठीक है तुम कितना फ्लो में है ये मैटर करता है तो डेली प्रैक्टिस करो ठीक है अभी से एग्जाम तक कसम खाओ कि कुछ भी गंदा बंदा नहीं खाएंगे गंदा मतलब मैंने ये चीज रियलाइज किया है मैं बता रहा हूं ना मैं तुम लोग से स्ट्रेट बात करता हूं सारा सारा जब चीज मिलता है ना तब जाके कोई एक अच्छा सी टू जैसा डिफिकल्ट पेपर क्लियर होता है ठीक है डिफिकल्ट है नहीं लेकिन जब फिर पास नहीं होगा तो फिर बोलोगे भैया बहुत डिफिकल्ट था ऐसा था वैसा था ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ डिफिकल्ट है नहीं इसलिए अभी आगा कर रहा हूं कोई बच्चा अगर जीरो लेवल प्रिपरेशन में है जीरो लेवल खाली क्लास देखा है उस बच्चे का भी अस्सी आ सकता है स्ट्रैटेजिकली पढ़ो देखो पहले एनालाइज करो आधा एक घंटा बैठो सोचो थोड़े लास्ट, लास्ट पांच दस साल के पेपर को एनालाइज करो कि यार क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैने वो सब तो करना ही करना है ठीक है क्या क्या ऐसा टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा एकदम लग रहा है तुम लोग को देखो सबका अपना अपना होता है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ठीक है एकदम वैसे ब्लैंड मत पढ़ो कि यार मतलब बस कर रहे हैं कर रहे हैं नींद में झूमते झूमते कर रहे हैं गाना सुनते सुनते कर रहे हैं ये प्रोफेशनल एग्जाम ऐसा नहीं है कान में ढक्कन लगाया कर रहा है, वो चीज नहीं है एकदम एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा एक्टिवली पढ़ोगे तो टाइम भी कम लगता है और सब चीज समझ में भी आता है कि यार कितना हो गया है कितना नहीं हुआ है कितना दिन एक तो छोटा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए एकदम भी नहीं बोल रहा कि हर एक छोटा छोटा स्टेप में प्लान करो बट हां प्लान करना इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लानिंग इज वेरी 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 थोड़ा थोड़ा ढंग से प्लान करो ठीक है बट प्लीज ट्रस्ट मी बेटा ठीक है आप जैसे मान लो बहुत लोग का CS2 हो गया है तो क्या है कि CM2 के बाद में उतना डिफिकल्टी नहीं होगा हाँ एक दो पेपर है जिसमें हो सकता है डिफिकल्टी हो लेकिन हाँ मोस्टली बाकी सारा पेपर तुम्हारा अगर अच्छे से पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा इनफैक्ट फैक्ट बताओ सीएम टू में देखो एक्सेल है पेपर ए भी है एमएस वर्ड में लिखना है मान लो सी वन एटलीस्ट कोई न्यूमेरिकल्स तो नहीं है अच्छा से समझ के पढ़ोगे एग्जाम दोगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए ठीक है तो वो बात है यहाँ पर वो चीज का बात हो रहा है सोचो ना यार क्यों अपने को तो अच्छे से पढ़ के एग्जाम देना है तो हम लोग क्यों बेमतलब भी मतलब का इतना, आ, माथा में टेंशन ले ठीक है ऑफिस है मेरे को समझ में आ रहा है सुबह पढ़ो अगर मान लो ऑफिस है मान लो किसी का दस से आठ भी ऑफिस है दस घंटा ग्यारह घंटा ज्यादा किसी का ऑफिस नहीं होता है बारह घंटा मान लो सुबह तीन चार घंटा पढ़ो एकदम फ्रेश में रात में पढ़ो दो घंटा पढ़ना ही पड़ेगा यार ऐसे तुम लोग देखते हो पटवारी तो नोट छाप रहा है पैसा कमा रहा है इतना ऐसे थोड़ी है भाई ऐसे थोड़ी है एक टाइम पे ऑफिस भी जाता था सुबह कॉलेज भी था बच्चों को भी पढ़ाया है रात में पढ़ना था ग्यारह से दो पढ़ना है मतलब पढ़ना है ठीक है तब जाके आज ये दिन देखने को मिल रहा है कितना साल हो गया भाई कितना साल से मैंने जब से मैं पढ़ना स्टार्ट किया मैं तब से पढ़ा रहा हूँ मैं दस साल से पढ़ा रहा हूँ पहले मैथ्स पढ़ाया क्या क्या बेसिक से मैंने टेन नाइन से पढ़ाते जा रहा हूँ ऐसे थोड़ी भाई दिस इज द टाइम यू शुड वर्क वेरी हार्ड ठीक है बाकी लोग बकवास करेंगे छोड़ना जॉब है ऐसे ही होता है क्लियर हो जाएगा बकवास है वो सब बकवास है लोग कर रहे हैं चौबीस साल के एज में भी कर रहे हैं तेईस साल के एज में भी कर रहे हैं ठीक है तो लोग कर रहे हैं ठीक है मैंने किया है मतलब कर सकता है सब लोग कर सकता है ऐसा कोई हाथी घोड़ा वाला चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ठीक है यू जस्ट नीड टू वर्क वेरी हार्ड उसके बाद अक्टूबर पूरा एंजॉय करो दुर्गा पूजा इज देयर दिवाली इज देयर नो प्रॉब्लम बट अभी वाला टाइम वेस्ट नहीं कर सकते नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते अगर मान लो क्लियर है तुम लोग का तो तो अगर अगर क्लियर 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 हो जाएगा तो सोचो सच बता रहा हूं clear है CM1, CS1 clear है ना एकदम दिक्कत नहीं होगा आगे मैं अपना दिल का बात बोल रहा हूं हो सकता है बहुत लोग कॉन्ट्रेडिक्ट करें सबका अपना अपना ओपिनियन होता है बट मैं सच बता रहा हूं हूँ दो एक दो ही ऐसा पेपर है जो तुम लोग को रुला देगा उनमें सबसे बड़ा जड़ सी एम टू है ठीक मतलब तो है, उसको एकदम से तो, पढ़ना ही पढ़ना है। तो प्लीज डोंट वरी स्टडी वेल प्लान प्रॉपरली एंड डोंट ईट आउटसाइड फूड फॉर द नेक्स्ट थर्टी फोर्टी डेज उसके बाद आर फ्री टू तो डू एनीथिंग तो तुम लोग का एनर्जी एफिशिएंसी बहुत अच्छा रहेगा ठीक है तो ये सब छोटी छोटी बातें जो फॉलो करोगे तो बहुत हेल्प करेगा एंड ट्रस्ट मी कोई भी टाइप का डाउट्स हो सीएम टू को अगर रहेगा मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ आप लोग ग्रुप में पोस्ट करिए देखिए आप लोगों को रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है ठीक है तो सीएम टू के लिए एक स्पेशल अटेंशन हमेशा से रहा है बिकॉज मेरे को पता है बहुत लोग जॉब के संग मैनेज करते हैं ठीक है आप लोग ये सोचो कि इसका बेनिफिट बहुत है आज अगर कोई कोर्स में आए हो तो उसके संग जस्टिस करो ठीक है मैंने उतना भी बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है ठीक है, है, है सब लोग मैनेज करते हैं सबके लाइफ में डिफिकल्टीज है प्रॉब्लम है सब लोग जॉब जा रहे हैं सबका लाइफ में नॉर्मल है ठीक है तो अभी बहुत एडवांटेजेस है बहुत लोग का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ये सब क्या चीज समझो बहुत फायदा है अभी देखे क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छा चीज है वरना बाद में दिक्कतें बढ़ेंगी ठीक है तो ये सब चीजें फर्स्ट गोल्डन अटेम्प्ट बार बार बोल रहा हूँ ये 40 दिन मान लो अगर आई एफ ओ से और अगर आई आई से जो लोग भी आई आई से दे रहे हैं कल से ही कसम खाएंगे कि डेली एक पेपर आई आई का करना ही करना है

और बोलो कोई भी क्वेरी है तो बोलो कोई भी सजेशन है तो बोलो बोलो अभी हम लोग सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर कर रहे हैं तो उसका एक जो सेकंड पार्ट है वो मेरे को वीडियो डालना है ठीक है वो वीडियो डालने के बाद मैं बुकलेट सिक्स सेवन का लाइव क्लास ले लूंगा क्या दिक्कत है ठीक है हाँ और बोलो हैंड करके बोलो कुछ भी बोलना है तो बोलो यस रुचिता बोलो बुकलेट जो सिक्स और सेवन है मैं, मैं वीडियोस देख रही तो अगर आप लेते फिर थोड़ा आप पहले दे... वीडियोस देखो लाइव क्लास भी ले आप हाँ, लेकिन वीडियोस देखो थोड़ा गैप दे दीजिएगा अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो प्लीज व्हाट्सएप इज ओपन माई नंबर इज एट वन डबल जीरो सब बोलिए बट प्लीज आज से एकदम अच्छे से पढ़िए ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू यस yes, बोलो सर सर और और भी की डाउट क्लास ले लो मतलब हर में थोड़े-थोड़े डाउट्स -थोड़े हाँ, तो आप लोग ना आप 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 लोग लोग कोई क्लास नहीं आ रहे मैं वही तो आप को बोल रहा बोलोगे नहीं तो मेरे को कैसे समझ में आएगा बताओ आई एम so ना, ना आप मेरे को कैसे पता लगेगा मैं तो लाइन से जैसे को कराना है वो तो मैं करा ही रहा हूँ ठीक है Okay, beta. Thank you all of you.